नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान आजमानी। तो जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि बीते दिनों जो फैसला आया कि अब 2000 के नोट मार्केट में और सर्कुलेट नहीं होंगे, यानी कि 2000 के नोट सितंबर के बाद से अब मार्केट में मौजूद नहीं नजर आएंगे, यानी कि 2000 के नोट सितंबर के बाद से पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे, जिसको लेकर आरबीआई ने तमाम तरीके की गाइडलाइंस भी जारी की है और साथ ही साथ अब लोगों को 4 महीने तक का मौका भी दे दिया है ताकि जो लोग हैं वो पैनिक ना हो, क्योंकि नोटबंदी के दौरान की तस्वीरें हम सभी ने देखी थी कि किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई थी, लंबी कतारें देखने को मिली थी। तो आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो आम जनता है उसको एक बड़ा मौका दिया जा रहा है ताकि वो 4 महीने में जो नोट है वो उसको बदल सके। तो वही भारतीय रिजर्व बैंक का ये फैसला एक बार फिर से बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि आरबीआई ने 2016 के नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि बाजार में 2000 के जो नोट मौजूद है फिलहाल वो चलन में रहेंगे, लेकिन और ज्यादा जो नोट है अब वो नई प्रिंटिंग उनकी नहीं होगी। और वहीं आरबीआई के मुताबिक 2018 से लेकर 2019 तक जो नोटों की प्रिंटिंग है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी और आरबीआई ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि 89% से ज्यादा के नोट 2017 से पहले ही जारी कर दिए थे। तो वही भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बाकी बैंकों को भी सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे, यानी जिनके पास इस समय 2000 के नोट है वो उन्हें बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें लोग अब पैनिक ना करें। तो वहीं ये मुद्दा काफी गंभीर है, इसी मुद्दे पर तमाम जो दर्शक हैं उनके भी कई सवाल हैं। उन्हीं सब सवालों के आज जवाब देने के लिए हमारे साथ कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विजय कपूर जी सीधा जुड़ चुके हैं। विजय जी, सबसे पहले तो मैं प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल विजय जी, बतौर चेयरमैन आप कोऑपरेटिव बैंक पे लगातार कई सालों से सक्रिय रहे हैं, ऐसे में अब ये जो 2000 के नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैडम, मैं कोऑपरेटिव बैंक का नहीं, मैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल स्टेट का चेयरमैन हूँ और लघु उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और व्यापारियों का भी जी। इससे लघु व्यापारियों का और लघु उद्यमियों का 3-4 महीने बहुत फायदा होने जा रहा, क्योंकि जितने भी डंप नोट थे वो बाहर आएंगे और कुछ ना कुछ वो व्यापार में लगेंगे और व्यापार करने के बाद वो बैंक में जाएंगे। तो 3-4 महीने लघु उद्यमी मेरे हिसाब से फायदे में आ जाएगा, लघु उद्यमियों को फायदा होगा। लेकिन धन्ना सेठों के पास, जिनके पास बहुत ज्यादा डंप पड़े हैं, उनको नुकसान होगा। लेकिन कुल मिला के छोटे व्यापारियों को, लघु उद्यमियों को इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से सर सरकार लगातार ये कह रही है कि जो आतंकवाद है उसकी कमर तोड़ने का काम किया जाएगा, जो ब्लैक मनी है वो बाहर आ जाएगा, क्या वाकई आपको लगता है कि ब्लैक मनी इस फैसले के बाद बाहर आएगा? क्योंकि 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो भी ये कहा जा रहा था कि जो ब्लैक मनी है वो बाहर आ जाएगा। नहीं मैडम, इस तरीके की मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, क्योंकि पिछली बार भी जब सरकार ने ये बंदी की थी तभी भी जरूरत से ज्यादा नोट आ गए थे, जितने छापे थे उससे ज्यादा नोट सरकार के पास वापस आ गए। और मैं अभी भी ये मानता हूँ कि सरकार के पास, बैंकों के पास पूरे नोट अवश्य आ जाएंगे। 2-4-5% की बात नहीं करता हूँ, लेकिन पूरे नोट मार्केट से बैंकों में आ जाएंगे 3-4 महीने के अंदर। अच्छा, आपने 2016 की जब नोटबंदी की तस्वीरें देखी थी कि लोगों को काफी परेशानियां हुई थी, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा था, कई लोगों की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई थी, लेकिन अगर वैसी तस्वीरें एक बार फिर से सामने आती है तो क्या वो सही होता है हमारे प्रदेश या देश के लिए? मैडम, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है अब की बार। और आज भी मैं बैंकों में गया था, बैंकों में पहले से भीड़ कम थी और मुझे लगता है कि इस बार कोई भीड़ होने नहीं वाली है और व्यापारिक गतिविधियां जो है स्मॉल स्केल की वो बढ़ने वाली है, क्योंकि जितने नोट हैं ये पहले मार्केट में आएंगे और इसका जो आदान प्रदान होगा इससे व्यापारिक लेन देन होगा। ठीक है, बतौर आप लगातार जो व्यापारी जो हमारे हैं उनके साथ भी लगातार सक्रियता से खड़े रहे हैं, और ऐसे में हमारा देश बीते कई सालों से कोरोना से भी जूझ रहा था और अब ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, तो क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था या व्यापारियों पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, रिजर्व बैंक ने और सरकार ने ये जो बंदी की है बहुत सोच समझ के की है, और
क्योंकि सरकार डिजिटल इंडिया के पक्ष में है और हम लोग भी जो है उद्यमी लोग डिजिटल इंडिया के पक्ष में, हम लोग भी चाहते हैं कि सारा काम डिजिटल हो। और ये 2000 नोट बंद होते हैं तो एक तो कागज हम लोगों के यहाँ बचेगा और दूसरा डिजिटल इंडिया की तरफ लोग ज्यादा ध्यान देंगे और इसका सरकार को फायदा मिले। लेकिन विजय जी, अभी भी कई गांव ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग डिजिटल इंडिया की तरफ रुख नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी भी कहते हैं कि भाई हमको तो कैश दे दो। ऐसे में उन व्यापारियों तक डिजिटल इंडिया आखिर कैसे पहुंचाया जाए कि वो उसका इस्तेमाल करना सीख जाए? नहीं मैडम, ऐसा है कि पहले की तुलना 2017 की तुलना में 2023 में बहुत फर्क आ चुका है और गांव-गांव डिजिटल इंडिया पहुंच चुका है। आप अपनी विधानसभा को ही देखिए, यूपी की विधानसभा में हर तरह का बिना पढ़ा लिखा विधायक भी होता है, लेकिन अब विधानसभा पूरी डिजिटल हो चुकी है। तो अगर डिजिटल करेंगे तो सब लोग सीखेंगे और करेंगे भी, और मुझे लगता है कि हम लोग भी गांव में व्यापार करते हैं अब, पहले से लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। लेकिन जो विजय जी, जो इस वक्त जो तबका है व्यापारियों का, जो छोटे व्यापारी है, वो बहुत ज्यादा डर में है क्योंकि उन्हें लग रहा है उन्हें फिर बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे, गर्मी में खड़े होना पड़ेगा, या हो सकता है वो बीमार हो जाए और इसका असर उनके व्यापार पर पड़ेगा। तो ऐसे में आप उन व्यापारियों को सलाह क्या देंगे? मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने 4 महीने का समय दिया है और किसी सारे बैंक नोट ले रहे हैं और छोटे व्यापारियों के पास 2000 के नोट बहुत रहते नहीं है और जितने लोगों के पास हैं भी वो भी मार्केट में आ जाएंगे। कल से मैं देख रहा हूँ पेट्रोल पंप पे, जो पेट्रोल पंप 2 लीटर डलवाता था वो अब कहता कि मेरी टंकी फुल कर दो। इसी तरीके से कई जगह व्यापारिक लेन देन में बड़े बड़े नोट निकल के आ रहे हैं जो कि बिल्कुल डंप थे। ठीक है विजय जी, भी आपने जिक्र किया कि जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं परेशान ना हो, पैनिक ना हो, लेकिन एक सवाल मैं आपसे बहुत जो गंभीर है, जो इस वक्त सभी के जहन में है, वो ये है कि जब 2016 में नोटबंदी हुई तो ये कहा गया कि ब्लैक मनी बाहर आएगा, लेकिन सरकार के नीचे से ही कई लोग हैं, सरकार की नाक के नीचे से वो ब्लैक मनी इकट्ठा करते रहे और कई बार छापेमारी के दौरान सिर्फ 2000 के नोट ही बरामद हुए थे। तो क्या वाकई में इस बार लगता है कि ब्लैक मनी पर लगाम लगा पाएगी सरकार ये 2000 के नोट? मैडम 2000 का नोट जो है कम जगह घेरता है और 500 का नोट जो है उतनी जगह में 4 रखने पड़ेंगे, तो बड़े बड़े लोगों को भी डर रहेगा कि हम बड़े बड़े नोट कहाँ रखेंगे। और मुझे लगता है कि इससे जो है घूस वगैरह भी कम होगी। हाँ देखिए, 2000 का नोट तो अमूमन जाहिर सी बात है अक्सर जब हम और आप भी बाहर लेके जाते थे तो परेशानी बहुत होती थी। तो क्या कभी आप ऐसा हुआ कि आप 2000 का नोट लेके गए बाहर तो लोगों ने कहा चेंज नहीं हमारे पास? बिल्कुल मैडम, हम लोग जब बाहर जाते थे, एक बार तो मैं नेपाल गया, नेपाल में मेरा 2000 नोट का नोट चला ही नहीं, उन्होंने कहा हम 2000 रुपए का नोट ही नहीं लेंगे। हाँ तो इसके अलावा जो है बड़े बड़े गतिविधियों में 2000 का नोट चलता है, लेकिन छोटी गतिविधियों में 500 का नोट ही चलता है। अच्छा विजय जी, एक सवाल मेरा बहुत आम सा सवाल है कि ये कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा 2000 के नोट निकालेंगी क्योंकि महिलाएं अक्सर जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं बचा के रखती है सेविंग के तौर पर, तो महिलाओं को आप क्या कुछ समझाएंगे कि वो बैंक जाएं किस तरीके से जाएं? जी गृहणियों का थोड़ा बहुत नुकसान तो होने ही जा रहा है क्योंकि उनकी जमा पूंजी होती है और जमा पूंजी जो है वो अपने बच्चों को और अपने पतियों को देंगी, और लेकिन वो भी किसी ना किसी रूप में व्यापार में आएगा और व्यापार बढ़ेगा। यानी अब इस फैसले से सबसे ज्यादा उद्योगपतियों के साथ कोई डरा है तो वो गृहिणी है, आप मानते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन उद्योगपति डरा नहीं है मैडम। नहीं, जो जो काला धन इकट्ठा करता था, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिल्कुल हम 1% उद्योगपति के बारे में 99% उद्योगपति खुश है। जी विजय जी, थैंक यू। जी विजय जी, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस फैसले को आप किस तरीके से चाहेंगे कि जनता देखे? तो ठीक है, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे एक
हम आपको बताते चले कि ये एक बेहद ही बड़ा फैसला है जो कि सरकार द्वारा लिया गया है। तो विजय कपूर जी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने बताया कि इस फैसले को कहीं ना कहीं काफी सराहनीय माना जाना चाहिए, क्योंकि ये उद्योगपतियों के लिए या ये व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि 2000 के नोट अमूमन बाजारों से कहीं ना कहीं गायब होते थे और जो छुटुरपुटो लोग जो 2000 के नोट को लेके जाते थे वो कहीं ना कहीं परेशानियों का भी सामना करते थे, क्योंकि जो व्यापारी है उनका कहना था कि 2000 के नोट का जो है वो चेंज नहीं जल्दी मिलता है। और ऐसे में अब ये जो सरकार का फैसला है ये लगातार कहा जा रहा है कि कई तबकों के लिए काफी सराहनीय है, तो जो आम जनता है वो परेशान है, क्योंकि आम जनता को ये लग रहा है कि हो सकता है 2016 की स्थिति एक बार फिर से आ जाए, लेकिन 2016 की स्थिति और 2023 की स्थिति में बेहद अंतर है, क्योंकि इस बार जो RBI है उसने समय ज्यादा रखा है, तकरीबन 4 महीने का समय रखा है कि जब आम जनता बैंक की तरफ रुख कर सकती है, अपने नोटों को बदलवा सकती है, वो भी बिना किसी परेशानी में। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।